मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर टू का बुक और कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू को का स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन या स्टोरी आपको हिंदी में एक्सप्लेन की गई थी। तो आज चलिए चला जाए आगे और देखते हैं कि कैसे बुक वर्क किया जाता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास ऑफ सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें फर्स्ट है व्हेनेवर अंकल पोर्चर अंडरटुक अ जॉब एट होम देयर वाज अ लॉट ऑफ। अब देखिए फर्स्ट whenever uncle undertook a job at home there was a lot of at home there was a lot of ऑप्शन ए दिया है सरप्राइज। बी है आपका जॉय एंड सी रहेगा डिस्टर्बेंस। तो इसमें पूछ रहा है व्हेनेवर जब कभी अंकल पोर्चर को घर में कोई कार्य करना होता था या कोई कार्य होता था तो घर में क्या होता था। सरप्राइज होता था, जॉय होता था, डिस्टर्बेंस होता था। तो ये आपका सही होगा अकॉर्डिंग टू द स्टोरी डिस्टर्बेंस। इसके बाद नेक्स्ट है Who agreed to hang the picture? Question number two. Who agreed to hang the picture? Who agreed to hang the picture? तो ऑप्शन ए है आंट पोर्चर। ए aunt b hai uncle Porcher and c aunt maria matlab picture ko hang karne ke liye kaun sahmat hua। According to the aunt, according to the story, aunt Porcher, uncle Porcher या aunt Maria। तो आपका true है बेटा uncle Porcher, क्योंकि story में uncle Porcher सबसे पहले सहमत होते हैं। उसके बाद चलते हैं multiple choice question number three। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर टू हेल्प कितने सदस्य ने
अंकल बढ़िया की मदद की थी। तो इसमें फर्स्ट ए है आपका ए फाइव, बी सिक्स एंड सी सेवन। तो आपका ट्रू आंसर है सिक्स, सिक्स आपका ट्रू आंसर है, ऐसे आप टिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है अंकल बोर्जर लिफ्टेड द पिक्चर एंड फोर। अंकल बोर्जर लिफ्टेड द पिक्चर एंड, जब वो पिक्चर को उठाते हैं, तस्वीर को उठाते हैं, तो क्या होता है? ए हैंड इट, हैंड इट, बी ड्रॉप इट, ड्रॉप इट एंड सी साइड, एंड सी साइड। क्या होता है जब वो देखेंगे उठाते हैं, तो क्या होता है? वो ड्रॉप इट, गिर जाता है नीचे, नीचे फर्स्ट टाइम नीचे गिर जाता है, ड्रॉप की पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हु डिड अंकल ओर्जर सेंड, हु डिड अंकल ओर्जर सेंड टू मिस्टर गॉगल्स, टू मिस्टर गॉगल्स एंड बोरो हिज स्क्रीन टेबल, एंड बोरो हिज स्क्रीन लेवल। आंसर होगा इसका ए, ए है दिया आपका टॉम। वो किसको अंकल मिस्टर गॉगल के घर भेजते हैं स्क्रीन लेवल लेने के लिए? तो ए है टॉम, बी टी, सी द गर्ल, सी द गर्ल। देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वो किसको भेजते हैं, तो टिप को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? टिप। तो आप टिप में ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू यानी बी पर। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। करेक्ट स्टेटमेंट्स में आपको ट्रू का था, रॉन्ग स्टेटमेंट से क्रॉस का सिंबल लगाना है। देखिए फर्स्ट ए, ए ने वन दिया है, बी का फर्स्ट द पिक्चर वाज इन द डाइनिंग हॉल, द पिक्चर वाज इन द डाइनिंग हॉल वेटिंग टू बी पुट, वेटिंग टू बी पुट ऑन वन हॉल ऑफ द वर्ल्ड, ऑन वन, ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द
इसके बाद सेकंड, सेकंड है टॉम वाज सेंट टू मिस्टर गॉगल, टॉम वाज सेंट टू मिस्टर गॉगल गॉगल एंड बोरो हिज स्क्रीन रेकॉर्डर एंड बोरो हिज स्क्रीन रेकॉर्डर नंबर थ्री हो जाएगा। इसके बाद नंबर थ्री द हैंडकरचीफ वाज इन द पॉकेट, द इसके बाद तो पहले इतना कर लेते हैं उसके बाद आते हैं। तो दिया द पिक्चर वाज इन द डाइनिंग हॉल वेटिंग टू बी पुट ऑन द ऑन वन ऑफ द वॉल, दैट इज द ट्रू, क्योंकि डाइनिंग हॉल का पिक्चर डाइनिंग हॉल के एक दीवार पे लगनी थी, ठीक, ये ट्रू है, इसमें आप ऐसे टिक कर लेंगे ट्रू। टॉम वाज सेंट टू मिस्टर गॉगल एंड बोरो हिज स्क्रीन लेवल, दिस इज द राउंड, क्योंकि तीन क्वेश्चन टीम को सेंड किया ने भेजा गया था टीम को। नेक्स्ट है बेटा उसके बाद नंबर फिफ्थ was very
So the picture was finally up about midnight. This is true. And Anka Mohan was very tired. This is also true. ये आपका इस वीडियो में आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स कंप्लीट किया. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी का जो होमवर्क है इसमें जो बुक वर्क बचा है वो कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए बाय बेटा. सी यू टुमारो. बाय बाय. हैव ए गुड डे.